हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता एंड वेलकम बैक टू यूनिशाज वर्ल्ड। चाहे साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन, डोसा तो सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इसकी तैयारी में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है और इसी कारण कई बार हम इसे बनाना अवॉइड कर देते हैं। इसीलिए आज हम बनाने तो जा रहे हैं डोसा ही, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ये हेल्दी होने के साथ साथ पचाने में भी बहुत हल्के होते हैं और इसकी तैयारी में ज्यादा समय भी नहीं लगता। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी। मार्केट में इडली रवा के नाम से अलग सूजी भी आती है, लेकिन उसे यूज नहीं करना है। आप प्लेन वाली, मोटी या बारीक कोई सी भी सूजी काम में ले सकते हैं। फिर लेंगे आधा कटोरी पोहा। पोहे से डोसा और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इन्हें मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लेंगे। इन्हें पीसने के बाद इसमें सूजी के बराबर ही, मतलब एक कटोरी दही ऐड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि दही खट्टा ना हो। फिर मिलाएंगे एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चम्मच ही बेसन। अब इसमें मिलाएंगे लगभग चौथा या कटोरी पानी और मिक्सर में कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बैटर भी थोड़ा स्मूथ हो जाए। फिर इस घोल को किसी बर्तन में खाली करेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे चौथाई छोटी चम्मच मीठा सोडा, मतलब खाने वाला सोडा, और चौथाई छोटी चम्मच ही नमक। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस घोल को पकौड़ी के घोल से थोड़ा सा पतला, मतलब इडली के घोल जितना गाढ़ा रखना होता है। अगर घोल थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी और मिला लें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि घोल पतला ना हो। अब इस घोल को लगभग आधा घंटे के लिए रख देंगे। अब जितनी देर में घोल फर्मेंट होगा उतनी देर में हम डोसे का मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए कढ़ाई में हम लेंगे 2 चम्मच तेल और इसे गर्म करेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई। जब राई तड़क जाए तब डालेंगे चौथाई छोटी चम्मच हींग, 1 प्याज लंबाई में काटा हुआ, 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 7 से 8 मीठे नीम की पत्तियां। इन्हें तोड़कर डालने से अरोमा अच्छा आता है। प्याज के बाद करी पत्ता डालने का एक फायदा ये होता है कि अब तेल उछलकर हमें नहीं लगेगा, लेकिन अगर राई और हींग डालने के बाद ही करी पत्ता डाल देते तो गर्म तेल उछलकर हमें लग जाता। अब हम इसमें मिलाएंगे चौथाई छोटी चम्मच नमक। नमक प्याज की नमी को खत्म कर देता है और प्याज जल्दी पकते हैं। अब हमने लिए हैं 5 से 6 मीडियम साइज के आलू। इन्हें बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें मिलाएंगे आधी छोटी चम्मच या स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच सांभर मसाला। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह मसाला ठंडा होने के बाद भी सूखा सूखा सा ना लगे, इसके लिए हम इसमें मिलाएंगे चौथाई कटोरी पानी और इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकने देंगे। फिर इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हरा धनिया और गैस की आंच को बंद कर देंगे। घोल भी तैयार है और मसाला भी। तो अब बनाएंगे डोसा। इसके लिए जो कटोरी या चम्मच लेंगे वह पैंदे से फ्लैट होना जरूरी है ताकि डोसा पतले और एकसार बने, वरना अगर कटोरी या चम्मच का पैंदा गोल हुआ तो डोसा कहीं से पतला और कहीं से मोटा हो जाएगा। तवा अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद गैस की आंच बिल्कुल कम कर दी है। अब इस पर तेल लगाएंगे और किसी कपड़े की सहायता से एक्स्ट्रा तेल पोंछ देंगे। इतनी देर में तवा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब इस पर घोल डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए इसे तवे पर फैला देंगे। ध्यान ये रखना है कि चम्मच या कटोरी से ज्यादा प्रेशर न डालें, वरना तवे पर से डोसा चम्मच के पैंदे पर चिपक जाएगा। इसीलिए चम्मच पर प्रेशर थोड़ा हल्का रखें। दूसरी ध्यान देने वाली बात तवे के बारे में है। तवा चाहे लोहे का हो या एल्यूमिनियम का, अगर पॉसिबल हो तो जिस पर आपको डोसा या चीले बनाने होते हैं उस पर रोटी न सेके। रोटी सेकने से तवा रफ हो जाता है और अगर उस तवे पर डोसा बनाते हैं तो शुरुआत में कुछ डोसा तो खराब भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग तवा रखना पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं। डोसा बनाने से पहले तवे को गर्म करके उसके ऊपर जो तेल लगाते हैं ना, उस तेल को प्याज की सहायता से पूरे तवे पर फैला दें। इससे तवा नॉनस्टिक की तरह काम करने लगता है। लेकिन इतना करने के बाद भी हो सकता है कि शुरुआत में 2-3 डोसा सही ना बने और तवे पर चिपक जाएं। इससे आप परेशान ना हो, 2-3 डोसा बनने के बाद ये तवे पर चिपकना बंद हो जाएंगे और ये आराम से हट जाएंगे। और तीसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तवे पर डोसा का घोल फैलाएंगे तब तवे का टेम्परेचर कम होना चाहिए, वरना डोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। धीमी आंच पर डोसा कुछ देर से पक रहा है और ऊपर से ड्राई होने लग गया है, तब इस पर थोड़ा तेल लगा देंगे और आलू का मसाला भी लगा देंगे। अब गैस की आंच मीडियम कर देंगे। जब डोसा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गैस की आंच को फिर से लो कर देंगे ताकि ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाए। फिर धीरे धीरे किनारे से उठाते हुए इसे फोल्ड करेंगे।
फिर इसी तरह से एक एक करके सारे डोसा तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी वेरी टेस्टी और हेल्दी इंस्टेंट मसाला डोसा। इसे आप खुद भी खाएं और सबको खिलाएं।